ज़्यादा लुलियाइए मत और अपना लोला बंद कीजिए। जी हाँ, नमस्कार, मैं निजू और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने चैनल IDI न्यूज में। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई साहब, जो नीचे वाला बटन दिख रहा है ना आपको, फटाफट लाइक कर दीजिए यानी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जी हाँ, भोजपुरी की शेरनी यानी कि अक्षरा सिंह और उनका भोजपुरी अंदाज यानी कि बिहारी वाला अंदाज एकदम सभी के ऊपर सर चढ़कर बोल रहा है। और उसके शिकार हुए हैं कौन? MG। जी हाँ, सिंगर हैं, क्योंकि उन्हें उन्हें पता है कि भोजपुरी को कैसे पकड़ना है। और अक्षरा और सभी लोग बैठे होते, जिसान बैठे होते, प्रतीक बैठे होते और MG बैठा होता और कुछ मस्ती भरे अंदाज में बात हो रही होती है, तो MG उन्हीं की डायलॉग यानी कि अक्षरा सिंह का सिखाया हुआ पंचेस ही उन्हीं के ऊपर इस्तेमाल करता है। जी हाँ, ज़्यादा लुलियाइए मत हमसे सीख के। हाँ, जो भोजपुरी टोन होता है तो वही कहा जाता है कि ज़्यादा हमको लुलियाइएगा, ज़्यादा मत लुलियाइए हमको, तो वही कहते कि हमसे सीख के हम ही पे अपनाते हो, तो ज़्यादा बात बोलिए नहीं तो लोला बंद कीजिए। हाई लोला, तो इस पर रफला रहता है कि आप अपनी लोली बंद कीजिए, तो कहीं ना कहीं ये लोला और लोली के साथ साथ जो भूचाल वाला है ना भैया, ये अम्मार के मुँह फाड़ दे। तो कहने का मतलब है जो स्लैपिंग, जो इंग्लिश वर्ड होता है, जो भोज बिग बॉस के इतिहास में इतना तो रवि किशन ने भी भोजपुरी को प्रमोट नहीं किया, भोजपुरी अपनी बिहार की भाषा को प्रमोट नहीं किया जितना अक्षरा सिंह कर रहे हैं। और ख़ास करके मनोज तिवारी भी नहीं किया। मनोज तिवारी तो बंदा ही शांत था, खेसारी जी शांत थे, सभी लोग शांत थे, लेकिन जिस तरीके से अक्षरा सिंह ना भाई साहब, अक्षरा सिंह जिस तरीके से भोजपुरी को प्रमोट कर रही है ना, एकदम बिंदास होके बोल रही है, मार के मुँह फाड़ दें तो हर लोला कूच दें। तो लोला मतलब मुँह, इस लोले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्री होता है, ये लोला क्या होता है? तो कहती है थोथना, ये जो थोथना है ना नाक के नीचे, ये थोथना, इसको लोला बोलते हैं, तो वही वाली बात है। तो कहीं ना कहीं जो कॉमेडी अंदाज है ना अक्षरा का, एक कॉमिक भरा अंदाज, उन्हें पता है कि किस तरीके के टोन बोलना है ताकि ऑडियंस उन्हें नज़र करे, तो है ना जी। तो अक्षरा सिंह का ये अंदाज एकदम भोजपुरिया वाला, बिहारी वाला, टोन वाला अंदाज कैसा लग रहा है आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।